कल पार्षदों के साथ नगर आयुक्त की हमारी बैठक हुई। बैठक में हम लोगों को जो शहर की पहली प्राथमिकता में जो समस्याएं लगी उसको हम लोगों ने नगर आयुक्त के समक्ष रखा और उनसे निवेदन किया गया और उनको साथ ही साथ ये बताया भी गया किस तरीके से योजना शाखा के लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। टेंडर होने के बावजूद साल साल भर तक कार्य धरातल पर नहीं उतरता। आखिर इसकी क्या वजह है जो इसका इस पर इतना विलंब होता है। आज खलीफाबाद चौक से लेकर स्टेशन तक जो रोड और नाला निर्माण का जो कार्य था वो कार्य लगभग 1.5 साल हो गया उसका टेंडर होने से, उसको अभी तक धरातल पर नहीं उतारा गया और ना उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया गया। नगर आयुक्त ने कहा कि एक हफ्ता के अंदर अंदर उसको यदि वो इस कार्य को नहीं करेगा तो हम लोग इसको रीटेंडर करेंगे। मैं नगर आयुक्त से ये निवेदन करता हूँ कि उसको रीटेंडर नहीं वैसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करके हटाया जाए, पहला प्राथमिकता के साथ ये काम किया जाए। और यदि उसको नहीं हटाया जाता है तो उसमें क्या लस्ट है, आखिर क्या आर्थिक लाभ यहाँ पर योजना शाखा के प्रभारी ढूंढ रहे हैं कि उसको नहीं हटा रहे हैं और अपने मनमानी के तरीके से काम किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को बिल्कुल निरस्त कर दिया गया है, कहीं भी उनकी बात को नहीं रखा जा रहा है। यदि कर्मचारी अपने तरीके से इस निगम को चलाना चाहते हैं फिर जनप्रतिनिधि अपने तरीके से निर्णय लेना भी जानते हैं। मैंने कल नगर आयुक्त को सभी मुद्दों पर एक एक कर विस्तार रूप में हर एक चीज़ की जानकारी दी है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं सभी कामों को सभी चीज़ों को जो जो हम लोगों ने उनको बताया है उस पर एक हफ्ता के अंदर अमल करेंगे। यदि एक हफ्ता के अंदर उनके द्वारा कोई अमल नहीं किया गया तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में अगले हफ्ता में जो है हम लोग तमाम पार्षद मिलकर जो भी उपाय हम लोग को लगेगा फिर, क्योंकि जब जनता आक्रोशित है और जनता अपने आक्रोश को जनप्रतिनिधि के समक्ष रखती है, जनप्रतिनिधि फिर अपने आक्रोश को अपने अपने हिसाब से फिर नगर आयुक्त के समक्ष रखने का काम करेगी। यदि किसी कार्यालय में काम नहीं होता है तो उस कार्यालय को बंद करने का काम सभी पार्षदों के साथ मिलकर किया जाएगा, या तो काम बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हो। मैंने इस बात को भी रखा है कि प्रत्येक 3 माह की, हमने तो प्रत्येक माह बोला था लेकिन फिर सभी पार्षदों के राय मशवरे से ये हुआ कि प्रत्येक 3 माह का नगर निगम का आय व्यय का जो ब्यौरा है वो पूरी तरह से सार्वजनिक किया जाए। पूरी जनता को पता होना चाहिए कि नगर निगम 3 माह में कितना पैसा कहाँ खर्च किया नहीं किया, इसकी जानकारी पूरे शहरवासी को, इस चीज़ को भी हमने सार्वजनिक करने कहा है। जब चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो रही है, जब पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ नगर आयुक्त कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, विभाग के लोग कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, तो उस पारदर्शिता को दिखाने की आवश्यकता है, जनता के समक्ष लाने की आवश्यकता है। होगा कैसे सर? क्यों नहीं होगा? 3 महीना का जो भी आय व्यय का ब्यौरा वो सार्वजनिक करेंगे, यहाँ चिपकाएंगे बोर्ड पर। यहाँ तो आपसी मतभेद है तो फिर ये कोई मतभेद की बात नहीं। यहाँ मतभेद किस चीज पर है? मतभेद इस चीज पर है कि हम चीजों को पारदर्शिता नहीं करें। मतभेद इस चीज पर है कि हम सिस्टम पर अपना कंट्रोल जमा कर रखें। हमारा कहना है कि यदि नगर निगम के कर्मचारी काम करते हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं, यदि नगर निगम के कर्मचारी अपने काम को ईमानदारी से निभाते हैं तो हम उनका साथ देते हैं। यदि शहर में काम नहीं होगा, यदि वो अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं निभाएंगे तो जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुनकर आया गया है। हमको ना नगर निगम के कर्मचारी ने यहाँ मनोनीत किया है और ना ही हमें नगर आयुक्त ने यहाँ मनोनीत किया है, तो जनता के द्वारा चुन के आए हुए जनप्रतिनिधि वो अपनी ताकत को जानते हैं, वो अपनी क्षमता को जानते हैं और वो अपनी सीमाओं को भी जानते हैं। आखिर क्या कारण हुए कुछ दिनों पहले नगर निगम के कर्मचारी नगर आयुक्त का साथ देते थे और आज वही कर्मचारी उनके विरोध में खड़ी हैं? कुछ महिलाएं जो कल महेश शाह के चैम्बर में जाकर हल्ला कर रही थी, कुछ छटनी का कार्य था, कुछ काम को लेकर, कुछ पैसे को लेकर, क्या मामला है? आखिर नगर निगम में ऐसा प्रतिदिन क्यों हो रहा है? देखिए, प्रतिदिन होने का कारण क्या होता है, जब हमारा रेल का इंजन गड़बड़ चलता है तो पूरे बोगी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और नगर निगम का जो इंजन है वो महापौर और नगर आयुक्त है और महापौर जनप्रतिनिधि है। पूरा विभागीय काम जो होता है या पूरा प्रशासनिक खेमा जो होता है या पूरे कर्मचारी को जो डील करता है वो नगर आयुक्त करता है। जब नगर आयुक्त हमारे शहर में यदि 10 दिन 15 दिन नहीं रहेंगे, उनकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर मनोनीत नहीं किया जाएगा, तो आखिर उस 15 दिन में आने वाली बाधाओं को जनप्रतिनिधि किसके समक्ष रखे? 15 दिन वो यहाँ नहीं रहते हैं, फिर जो 15 दिन वहाँ यहाँ रहते हैं उसमें उनको स्मार्ट सिटी का भी काम देखना है, उनको विभिन्न शाखाओं का भी काम देखना है। इस कारण से 3-3, 4-4 महीना एक एक विभाग की फाइलें साइन होने में पेंडिंग में रखी जाती है। फिर जब जनता कर्मचारी के ऊपर आक्रोशित होती है कि 4 महीना हो गया अभी तक आपने साइन नहीं किया, तब उनका आक्रोश सब निकल कर बाहर आ रहा है कि हम क्या करें। कई कर्मचारी मेरे पास आकर कहें कि हम क्या करें, 3-3 महीना 4-4 महीना तक
फाइलें जो हैं वो अभी तक साइन नहीं हुई है। कल किसी महिला ने आपके पास भी कोई मांग पत्र सौंपा होगा? नहीं, एक पुरुष मेरे पास आया था, वो किसी अपनी धर्मपत्नी के साथ आया था। उन्होंने कहा कि मैं रिटायर हो चुका हूँ और मुझे जो है विगत 2 साल से मेरा लास्ट वेतन बचा हुआ वो नहीं मिला है। तो ये काम हमारे, अगर मेरे अंडर का जो काम है वो मैं 24 घंटे के अंदर पूर्ण करने का काम करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से अभी पूरा सारी चीज़ें चल रही हैं और जितना आश्वासन कल नगर आयुक्त ने हम लोगों को दिया है, मुझे विश्वास है नगर आयुक्त यदि जो बोले हैं उसको वो पूरा करेंगे, और यदि वो पूरा नहीं करते हैं नगर आयुक्त उन बातों को, तो हम लोग आगे की रूपरेखा को तय करेंगे। कैसा लगता है धरातल पर ये काम आएगी? देखिए, आप हंस के काम कीजिए, आप रो के काम कीजिए, आप मुंह फुला के काम कीजिए, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। इसका रास्ता भले अलग अलग हो सकता है, अब किस रास्ते के माध्यम से आप चाहते हैं मंजिल तक पहुंचना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हम हर तरीके के रास्ते को चलना भी जानते हैं, हर तरीके के रास्ते पर, और चलाना भी जानते हैं। स्मार्ट सिटी को लेकर के जो चर्चाएं बराबर विगत कई महीनों से चल रही है, इसका शेड्यूल क्या है? प्रथम फेज में स्मार्ट सिटी के तहत लोगों को क्या देखने को मिलेगा प्रथम फेज में? स्मार्ट सिटी में प्रथम फेज में लोगों को रोड देखने को मिलेगा, प्रथम फेज में लोगों को आईटी का काम, ट्रैफिक सिग्नल के काम ये देखने को मिलेंगे। प्रथम फेज में लोगों को जो ग्राउंड है हमारा वो देखने को मिलेगा, जितने भी भागलपुर में मैदान है खेलकूद के वो देखने को मिलेंगे। अतिक्रमण से पूरा शहर जूझ रहा है, जब तक अतिक्रमण शहर मुक्त नहीं होगा तो हम स्मार्ट सिटी की परिकल्पना करना काफी। जब रोड निर्माण का कार्य आरंभ होगा तो मुझे लगता है कि उसके साथ साथ हम लोग अतिक्रमण भी हटाने का काम करना शुरू करेंगे। वो लोग फिर जाएंगे कहाँ फुटकर विक्रेता? नहीं, जो भी फुटकर विक्रेता है उनके लिए हम लोगों ने जो है बाकी चीजों पर निर्णय लिया हुआ है, वो भी धरातल पर उतरेंगे कि जो वहां से हटेंगे उनके लिए हम लोग जगह आवंटित करेंगे जहां पर उनको सेटल किया जाएगा। शहरवासियों को कब तक देखने को मिलेगा? इन चीजों में थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि 576 करोड़ का एक टेंडर है और 140 करोड़ का एक टेंडर है, तो जब बड़ा कोई टेंडर होता है तो उसमें कई कागजी प्रक्रिया होती है, कई सरकारी प्रक्रिया होती है, अगर एक भी चूक होती है तो बड़ा नुकसान हो सकता है और किसी के ऊपर भी एक दाग लग सकता है। तो इस पर थोड़ा विलंब जरूर हो रहा है, लेकिन चीजें बिल्कुल ट्रैक पर है। उसको आने में कल जैसा नगर आयुक्त से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि आने वाले 1-2 माह में हम धरातल पर उतरने का काम करेंगे। क्या लगता है वो जो आश्वासन दिए हैं इसमें वो 100% खरे उतर पाएंगे? देखिए, विकल्प दूसरा नहीं है, उनके तरफ से जो आश्वासन मिला उस आश्वासन पर हम लोग अडिग हैं और उस पर ही विश्वास करके 1 हफ्ते की मोहलत हम लोगों ने दी है। और उसके बाद मैं आपको कह तो रहा हूँ कि 1 साल पूर्ण होने को आ रहा है, आने वाली 9 तारीख को हमारा 1 साल हो जाएगा, तो हमारे 1 साल के कार्यकलाप की पूरा खाका हमने तैयार रखा है कि जनप्रतिनिधि का काम होता है शहर की तमाम समस्याओं को प्रशासनिक सभी लोगों के निर्णय से प्रशासन को सौंप देना कि ये काम शहर में ये समस्या है, इसका निवारण आपको करना है। अब ये काम हमारे नगर आयुक्त साहब का है कि वो किस तरीके से उन काम को करते हैं, कितने काम में उन्होंने पहल की, कितने काम को उन्होंने पहल नहीं की, ये सारा देखना करना ये सारा उनके पास है। जब 1 साल पूर्ण होंगे तो उनसे सवाल भी मांगा जाएगा और उसका जवाब भी मांगा जाएगा, हम लोग दोनों काम करने का काम करेंगे। आप देखते रहिए सनमार्ग और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।